एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि फैक्टर्स होते क्या है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, विकी टू 12 बॉल एंड पुट देम ऑन टेबल इन स्ट्रेट लाइन। विकी ने 12 बॉल लिए और उसको उसने स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर दिया, मतलब उसने 12 बॉल को एक ही रो में उसने अरेंज किया। तो ये 12 बॉल का जो पूरा ग्रुप है वो पूरा एक रो में है। तो हम इसको लिख सकते हैं, 12 बॉल्स को एक रो में अरेंज किया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 × 12 = 12। ठीक है, फिर सेकेंड जो रो है उसमें कप्स है। अब विकी चाहता है कि ये जो 12 कप्स है उसको वो दो रो में अरेंज करे। दो रो में अरेंज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 12 कप्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 पार्ट्स को अगर वो दो रो में डिवाइड करे तो हर एक पार्ट में कितने कप्स आएंगे, 6 कप्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पूरा एक ग्रुप बन गया और ये पूरा दूसरा ग्रुप बन गया, मतलब 6-6 के कप के दो ग्रुप बने। तो वी कैन राइट 2 × 6 = 12। फिर पेंसिल है, पेंसिल हमारे पास 12 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पेंसिल है। अब विक्की चाहता है कि वो इन 12 पेंसिल्स को वो टोटल 4 ग्रुप में डिवाइड करे। अब वो 4 ग्रुप में टोटल डिवाइड करेगा तो हर एक ग्रुप में कितनी पेंसिल्स आएंगी, 12 / 4 करेंगे तो आंसर क्या आता है, 3, मतलब हर एक ग्रुप में 3 पेंसिल्स आएंगी। तो ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप और ये फोर्थ ग्रुप। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ग्रुप है टोटल और 3-3 पेंसिल से हर एक ग्रुप। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 ग्रुप एंड हर एक के पास में 3-3 पेंसिल, तो 4 × 3 = 12। यानी कि 1, 2, 3, 4, 6 and 12 जो है वो क्या है, फैक्टर्स है 12 के। वी कैन से 1, 2, 3, 4, 6 and 12 आर द फैक्टर्स ऑफ ऑफ 12। मतलब अगर हम 12 को इनमें से कोई भी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो वो डिविजिबल होगा और वो रिमाइंडर भी नहीं बचाएगा पीछे, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0-0। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं वो सारे 12 के फैक्टर्स हैं। तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तो पहले फैक्टर्स की डेफिनेशन समझते हैं। अ फैक्टर इज अ नंबर व्हिच डिवाइड अ गिवन नंबर विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जिसको हम डिवाइड करते हैं तो नीचे कोई रिमाइंडर नहीं बचता। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा कि 1, 2, 3, 4, 6 and 12 आर द फैक्टर्स ऑफ को 4 टाइम्स करेंगे तो हमारा आंसर होता है
का फैक्टर है। अब मल्टीपल देखते हैं। मल्टीपल यानी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट विद अनदर काउंटिंग नंबर। मतलब ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें 12 मिलता है उसे हम बोलते हैं मल्टीपल्स ऑफ 12। जिसके टेबल में 12 आता है उसे हम बोलते हैं मल्टीपल्स ऑफ 12। जैसे कि ये सारे नंबर जो है वो मल्टीपल्स है 12 के। 1 × 12 = 12, 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12, 6 × 2 = 12, 12 × 1 = 12। मतलब ये इनके जो टेबल्स है उनमें कहीं ना कहीं ऐसा मल्टीपल आता है जिसका आंसर 12 है। तो हम ये नंबर्स को बोलते हैं मल्टीपल्स ऑफ 12।